कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना ये सब्जियाँ, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी माना जाता है। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहां स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांगा हो, तो वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। नंबर 3, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराता है। नंबर 4, मछली, मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषित रहता है। दूषित चीज़ों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोगकारक हो सकता है, इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। नंबर 5, बैंगन, कार्तिक के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। नंबर 6, करेला, कार्तिक में करेला का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है, साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीज़ों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेला का सेवन वर्जित कहा गया है। नंबर 7, जीरा, जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जीरा का सेवन कार्तिक के माह में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 8, दही, कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 9, दाल का सेवन ना करें।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नंबर 10, ठंडा पानी भूलकर भी ना पिएं। कार्तिक माह में सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है, ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुखाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें भूलकर भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।